टिकट टिकट का रोड़ा हो रहा था, माथा देख के इनके को फैसला नहीं होना और टिकट भी इनके बड़ी देख के देवेगी। 1,86,000 जो हमारे वोटर हैं बरवाड़ा के, बरवाड़ा का ही उम्मीदवार दिया जाए, अगर आप सहमत है तो हाथ खड़े करके इसका समर्थन करो। कांग्रेस टिकटें माथे की लकीर देखकर नहीं देगी, ना चेहरे देखकर देगी, काम देखकर देगी। ये बात जयप्रकाश ने कही है। जयप्रकाश पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता, दरअसल वो बरवाड़ा हलके का क्षेत्र है, सेक्टर 1-4, वहाँ पर आए थे। डॉक्टर राजेंद्र सूरा हैं, पूर्व में चेयरमैन रहे हैं जिला परिषद के, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। खास बात ये रही कि कांग्रेस ने एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग का एक नमूना दिखाया। वो नमूना इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इस कार्यक्रम में जो सूरा ने आयोजित किया था, जो सूरा का कार्यक्रम था, इसमें 36 में से 36 बिरादरी के लोग थे। एक भी ऐसी जाति नहीं बची थी जिसके नुमाइंदगी जो करने वाले लोग हैं वो इस फंक्शन में ना हो, इस कार्यक्रम में ना हो। और ये मिलन समारोह का इसको नाम दिया गया था। हालांकि संख्या बहुत बड़ी थी और तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें भी रखी। उनके समर्थकों ने एक एजेंडा यहाँ से जरूर पास करवाया जो बरवाला विधानसभा के लिए शायद चुनाव आने तक गूंजता रहेगा, दोहराया जाता रहेगा। और लोगों ने हाथ खड़े करके उस एजेंडे को पास किया। एजेंडा ये था कि इस बार बरवाला हलके की जनता बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेगी, बाहरी को नहीं चुनेगी, उन्हीं में से निकले हुए इसी क्षेत्र के, खुद के क्षेत्र के, यानी कि बरवाला क्षेत्र के किसी व्यक्ति को अगर पार्टी टिकट देती है तो उसके साथ करेगी, उसके साथ खड़ी होगी, उसको वोट देगी, उसको सपोर्ट करेगी। 1,86,000 जो हमारे वोटर हैं बरवाला के, बरवाला का ही उम्मीदवार दिया जाए, अगर आप सहमत है तो हाथ खड़े करके इसका समर्थन करो। के 10 साल हो गए तुम भी दुखी छो और 10-12 साल तो मैं भी दुखी छू और सारे मारे नेता दुखी हैं। जो लोगों की सेवा करेगा, जो लोगों में काम करेगा, और ना कहीं रिजर्वेशन है ना कहीं कोटा है, उन लोगों को टिकट मिलेगी जो जनता के बीच में समाएंगे और जनता के हृदय में काम करेंगे। जो यहाँ सरपंच आए हैं, एक तो शर्मा जी और जयप्रकाश जी, ऐसा सरपंच है मिरासी बिरादरी का, पूरा हरियाणा में कल्ला सरपंच है बघाना गांव का, मोनू मिरासी, एक अकेली सरपंच है पूरे हरियाणा में मोनू मिरासी। बाडो से हमारे सरपंच आए हैं, साथी हमारे वाल्मीकि बिरादरी से हैं, खरकड़ी के सरपंच हैं, हमारे सुनार बिरादरी से हैं और हमारे धानसु के सरपंच हैं भाई सुरजीत, कुम्हार समाज से हैं, और हमारे बैबुलपुर के सरपंच आए हैं वो भी कुम्हार समाज से हैं, और हमारे लीलाराम चौहान जी आए हैं, और विकास सरपंच हैं जो पंजाबी समाज से हैं सुलखनी के, वो भी हमारे बीच में आए हैं। मेरे अपने गांव बुगाना के सरपंच जो कुम्हार बिरादरी से हैं वो भी हमारे बीच में आए हैं। तो बाकी ये सारे जितने आपके सामने बैठे हैं 36 बिरादरी के भाई हमारे बीच में बैठे हैं। मैं आपसे बिश्नोई समाज के पूर्व सरपंच हैं दानसू के, वो भी हमारे बीच में आए हैं। तो शर्मा जी मैं इसलिए बताना चाहता हूँ आपको ये बात, अजमेर नायक हमारा साथी पुराना डीएनटी के चेयरमैन रहे हैं, वो भी हमारे बीच में आए हैं, उनका भी स्वागत है। अजमेर भाई हर जाति का, हर बिरादरी के साथी, सैनी समाज के हमारे सातोड़ के एमसी हैं, वो भी हमारे पप्पू बीच में आए हैं। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ ठीक ठाक सिस्टम जो है हुड्डा साहब को कह के, दीपेंद्र जी को कह के ठीक सिस्टम बना दियो, हमारे इलाके के अंदर बीजेपी का तो जब हम चकना चूर कर देंगे। 36 बिरादरी कांग्रेस के साथ है, हुड्डा साहब के साथ है, और आज जो ये कार्यक्रम किया है आपने देख लिया होगा, लोकसभा की तैयारी चल रही है, लोकसभा की तैयारी में हाथ खड़ा करके आपके सामने सबने बता दिया कि एक ही उम्मीदवार है जयप्रकाश जी, सारे हाथ खड़े करके समर्थन कर रहे हैं इस बात का। तो मैं आप सभी साथियों से यही निवेदन करता हूं कि लोकसभा का चुनाव सिर पे है, आप सब मिलकर के अपने गांव के गिले शिकवे भूल करके लोकसभा के चुनाव को अच्छी तरह से चुनाव मेहनत करके लड़े और आदरणीय जयप्रकाश जी को चौथी बार लोकसभा में भेजने का काम करें। और एक मांग और हमारे साथियों की है कि वे हमारे इलाके के अंदर जब कभी भी कोई कार्यक्रम होता है, हमारे नेता हमारे कार्यक्रम में जरूर नेट करस है, यह भी निवेदन है कि मैं कार्यक्रम पर रिक्वेस्ट है कि टाइम पर आ जाया करो, बता दो मैं ठीक होगी बात है। यह चौथा प्रोग्राम है, पांचवा प्रोग्राम जो चार चार पांच पांच घंटे लेट हुआ, मैं फिर भी सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि भाई आप लोग 5 घंटे से अपने नेताओं के इंतजार में बैठे हो शांति से, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। सबसे पहले तो
जो राजेंद्र सूरा जी कह रहे थे, इस बात के लिए माफी मांगता हूं मैं कि हम बहुत ही देरी से आए, कार्यक्रम के अंदर इतनी देरी से नहीं आना चाहिए था। भाजपा जाने वाली है और कांग्रेस आने वाली है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हमारे भाईचारा जिंदाबाद। तो मैं यही निवेदन करता हूं, ये आयोजन बड़ा गजब का आयोजन किया संक्रांति के त्योहार के ऊपर, सबको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और भाई एक बार फिर हमारे जो डॉक्टर सूरा है, मेरे छोटे भाई है, मैं सीनियर था, तो इन्होंने जो आंदोलन हमारे साथ भूमिका निभाई, कोट साहब बॉर्डर रोड भी साथ गए, हर जगह गए, तो भाई इनकी मदद भी हम पूरी करेंगे। जो जैसा काम करेगा उसका तो जाएगा ही। आज चाहे राजेंद्र सूरा हो, चाहे उधर अनिल मान हो, इतने अच्छे अच्छे फंक्शन किए, आज की पूरी रिपोर्टिंग रात तक हाईकमांड के पास पहुंच जाएगी। आज का जो सफल कार्यक्रम भाई राजेंद्र सूरा जी ने किया, इनको इस बात के लिए बधाई और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।